सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी का पाठ 14, कौन सा पाठ? पाठ 14 स्वर्ण नगरी की सैर, इसको पढ़ेंगे। इस पाठ में राजस्थान के प्रमुख शहर स्वर्ण नगरी जिसे कहते हैं जैसलमेर का वर्णन किया गया है। उसे स्वर्ण नगरी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ के अधिकतर मकान और यहाँ का जो मेन किला है वो किससे बना हुआ है? पीले पीले पत्थरों से, और जब उस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो सोने के समान चमकते हैं, इसीलिए इसे स्वर्ण नगरी ही कहते हैं। तो यह एक यात्रा संस्मरण की तरह है। इस पाठ में जैसलमेर की सैर के बहाने वहाँ के रेत के धोरों, हवेलियों, और जो हवेलियों के पेमे झरोखे हैं उनकी नक्काशी है ना, और किलों के बारे में खूबसूरती, किलों की जो खूबसूरती है उसका वर्णन किया गया है। जहाँ एक ओर रेत के अथाह समंदर की खूबसूरती का वर्णन है, वहीं पर जैसलमेर के प्राकृतिक सौंदर्य, वहाँ के खान पान, पहनावे, लोक संस्कृति का भी इसमें वर्णन किया गया है। इस पाठ के माध्यम से जैसलमेर के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। तो आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। भारत के पश्चिमी सीमा का प्रहरी है जैसलमेर। इसे स्वर्ण नगरी, हेमनगर, भड़कीवार आदि नामों से भी जाना जाता है। रेतीले धोरों ने जीवन को दुर्गम दुर्गम यानी कठिन मुश्किल बना रखा है, लेकिन यहाँ की सुंदरता देख लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। दांतों तले उंगली दबाना एक मुहावरा है, और जिसका अर्थ है आश्चर्यचकित होना, यानी उन्हें बहुत ज्यादा आश्चर्य होता है। हमने सुना था जिस प्रकार लाखों लोगों के अंगूठों पर बनी रेखाएं मेल नहीं खाती, वैसे ही यह स्वर्ण नगरी विश्व के किसी भी शहर से मेल नहीं खाती, यानी इसका अपना ही महत्व है। इतनी सारी बातें सुनने के बाद हमारी पूरी 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने घूमने का निर्णय किया। सर्दी की छुट्टियों में हिंदी की अध्यापक संदीप जी के साथ हम जैसलमेर के लिए रवाना हुए। बीकानेर से रेल रात में चली। बरकत, मुरली, रोनित, किशोरी और हम सभी हंसी खुशी मजाक करते हुए सो गए। अब बच्चे किस पर गए? रेल पर। 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने जब सुना कि जैसलमेर नगरी इतनी सुंदर है, तो वो अपने हिंदी के अध्यापक के साथ सर्दी की छुट्टियों में है ना जैसलमेर घूमने के लिए गई है। तो यह एक यात्रा संस्मरण की तरह है। जिस यात्रा संस्मरण होता है, जो किसी ने पहले यात्रा की हो उसका बाद में वर्णन किया हो, उसे कहते हैं यात्रा संस्मरण। तो अब बच्चे घूमने गए हैं और वो सुबह जैसलमेर के करीब पहुंचे तो देखा सूरज की किरणें जैसलमेर दुर्ग के, दुर्ग यानी किला, जैसलमेर दुर्ग के पाषाण कणों को चमका रही थी। पाषाण यानी पत्थर, पत्थर के जो कण है उनको चमका रही थी। जैसलमेर पहुंचे, होटल में ठहरे, तैयार होकर घूमने निकले। सबसे पहले किले को देखना तय हुआ। क्या किया उन्होंने कि जैसलमेर जब पहुंच जाते हैं तो वो एक होटल में कमरा ले लेते हैं और सुबह उठ के तैयार व्यार होकर घूमने निकलती है। और सबसे पहले उन्होंने क्या तय किया कि हम किला देखेंगे। किला त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। इसे त्रिकुटगढ़ नाम से भी जाना जाता है। किसको? किले को। किले को त्रिकुटगढ़ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। महारावल राव जैसल ने इसका निर्माण करवाया था। अब देखो, किले का निर्माण किसने करवाया था? महारावल राव जैसल ने। हम प्रथम पोल अखे पोल से होते हुए दुर्ग के ऊपर पहुंचे। किले की सड़क भी पत्थरों की बनी हुई है। वहां हमने रंग महल, मोती महल, जैन मंदिर देखे, लक्ष्मीनाथ जी के दर्शन भी किए। किले के अंदर क्या क्या था देखने के लिए? रंग महल, मोती महल, जैन मंदिर और लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर। ये देखो किला, देखो बेटा कितना सुंदर किला है ना, और कितना बड़ा, कितना विशाल है, और पूरे का पूरा पीले पत्थरों से बना हुआ है। इनके पत्थरों पर कलात्मक खुदाई वाली देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनी हुई हैं। किस पर?
किले के पत्थरों पर, किले के पत्थरों पर कलात्मक खुदाई वाली देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनी हुई हैं। दुर्ग के चारों ओर 99 बुर्ज हैं। कितने बुर्ज हैं? 99 बुर्ज। तो ये बुर्ज क्या करते हैं? दुर्ग को मजबूती प्रदान करते हैं। जो दुर्ग के चारों ओर 99 बुर्ज हैं वो दुर्ग को मजबूती प्रदान करते हैं। इसे हवेलियों व झरोखों की नगरी भी कहते हैं। जैसलमेर को अब हवेलियों और झरोखों की नगरी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर पट्टवों की हवेली, नथमल की हवेली, सालम सिंह की हवेली आदि दर्शनीय हवेलियां हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी हवेलियां, प्रसिद्ध हवेलियां बनी हुई हैं और इनके झरोखों पर की गई नक्काशी लाजवाब है। इनका सौंदर्य देखकर हम आश्चर्यचकित रह गए। अब उनकी सौंदर्य इतना बढ़िया था कि उस देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए कि ऐसा उन्होंने पहले कभी भी नहीं देखा था। हवेलियां देखने के बाद हम गड़ीसर गए। कहाँ गए बच्चे? अब गड़ीसर गए। यह तालाब सर्दियों में सदियों से, सर्दियों में नहीं, सॉरी बेटा, अब कहाँ गए? गड़ीसर एक क्या है? तालाब है। यह तालाब सदियों से यहाँ के वाशिंदों की प्यास बुझाता आया है। बहुत समय से, सदियों से यानी बहुत सदियों वर्षों से यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनकी प्यास बुझाता है। यहाँ का प्रत्येक पत्थर सौंदर्य बिखेरता नजर आता है। इसी की पाल पर मुक्तेश्वर मंदिर व बगीचियां बनी हुई हैं। किसकी पाल पर? गड़ीसर की पाल पर। गड़ीसर जो तालाब है उसकी पाल पर, उसके किनारे पर मुक्तेश्वर मंदिर और बगीचियां बनी हुई हैं। दर्शन मोहित अनुराग को थकान महसूस होने लगी। हम होटल में जाकर आराम करने लगे। दूसरे दिन हमने बादल विलास और जवाहर विलास देखे। अमर सागर के जैन मंदिर व कुलधरा देखकर हम सम पहुंचे। अब सम में क्या है देखते हैं। वहां रेत का अथाह समंदर हमें बरबस ही अपनी ओर खींचता है। यानी चारों तरफ इतनी रेत ही रेत है, ऐसा लगता है मानो रेत का समंदर ही हो, है ना, समुंदर हो रेत का। तो कहाँ पे है रेत का अथाह समंदर? सम में। हम सम के धोरों की मखमली रेत पर खूब नाचे गाए। वहां ऊंट की सवारी ने हमें बहुत रोमांचित किया। ये देखो बेटा, ऊंट दिखाया गया है ना, और ये रेतीले धोरे हैं। सूर्यास्त ने अपनी लालिमा बिखेरी और हम जैसलमेर लौट आए। जैसे ही सूर्यास्त हुआ तो वो बच्चे छोटे हैं ना, तो वापिस जैसलमेर लौट आते हैं। रात में कैर सांगरी, पंचकुटा की सब्जी व दाल बाटी चूरमा का आस्वादन किया। अब राजस्थान का प्रसिद्ध व्यंजन खान पान देखो। वहां का प्रसिद्ध खान पान में क्या है? कैर सांगरी की सब्जी, पंचकुटा की सब्जी और दाल बाटी चूरमा। ये राजस्थान का प्रसिद्ध फेमस भोजन है और जिसका उन्होंने रात को आस्वादन किया, यानी उसको रात को खाया। अगले दिवस बड़ा बाग की छतरियां और वुड फॉसिल पार्क को देखा और बस का रुख पोकरण की ओर हुआ। पोकरण का शक्ति स्थल देखकर सभी का सीना गर्व से फूल गया। सेवली गांव स्थित कदलीवन धाम के भी दर्शन किए। अब देखो रास्ते में जाते हुए उन्होंने पोकरण में जो शक्ति स्थल है वहां पर भी वो गए और यह उनको अपने वीरों की याद दिलाता है। तो उनका सीना जो है वो गर्व से फूल गया कि हम इस धरती पर पैदा हुए हैं, जहां पर अनेक वीर क्षत्रिय क्षत्रियों ने जन्म लिया है। इसके बाद वो सेवली गांव स्थित कदलीवन धाम के भी उन्होंने दर्शन किए और बस बीकानेर की ओर चल पड़ी। हम सभी आज भी इस यात्रा को याद करते हैं तो रोमांचित हो जाते हैं। उस समय खींचे गए चित्र आज भी उस यात्रा की याद ताजा कर देते हैं। वास्तव में यह वह यात्रा भुलाए नहीं भूलती। यानी उन्होंने, अब इतना सुंदर जगह पर जाएंगे तो कौन भूल सकता है ना उसे। तो ये देखो बेटा, वुड फॉसिल पार्क गए थे ना वो। वुड फॉसिल पार्क क्या है? जैसलमेर से बाड़मेर की ओर जाने पर, कहाँ पर? जैसलमेर से जब हम बाड़मेर की ओर जाते हैं तो जैसलमेर शहर से 15 किलोमीटर दूर अक्कल गांव में दर्जनों पेड़ थे। क्या थे? बहुत सारे पेड़ थे जो हजारों वर्षों तक विभिन्न मौसमों की चोटें सहते सहते पेड़ों की जो लकड़ी थी वो पत्थर में बदल गई और उस पार्क को राज्य सरकार द्वारा संरक्षित किया गया। उसी को वुड फॉसिल पार्क कहते हैं। अब कहाँ पर है ये?
जैसलमेर से बाड़मेर की ओर जब जाते हैं तो जैसलमेर से 15 किलोमीटर की दूरी पर अक्कल गांव में है, और जहाँ पे पेड़ जो थे जो मौसमों की मार सहते रहते हैं ना, कभी सर्दी कभी गर्मी, अनेक प्रकार के मौसमों की मार सहते सहते जिनकी जो पेड़ों की लकड़ी थी वो किस में बदल गई, पत्थरों में बदल गई, और राज्य सरकार ने इसे संरक्षण प्राप्त प्रदान किया, सुरक्षित कर दिया, और ये पार्क अब बहुत ज्यादा फेमस है। तो इस प्रकार से आज आपने जैसलमेर शहर के बारे में जाना है ना, राजस्थान का प्रमुख शहर जैसलमेर शहर जिसे स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है। तो इसके खान पान, इसके सौंदर्य, कलात्मक सौंदर्य के बारे में आपने जाना, उम्मीद आपको पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।